दोस्तों फाइनली Redmi 14C ये आपके सामने है और बताया जा रहा है कि ये 13C की तरह ही आपको नजर आ रही है। अब ये 14C डिवाइस ग्लोबल लेवल पे हालांकि ये चीजें हैं जहां पर देखा जा रहा है कि पीछे की जो डिजाइन देखने को मिल रही है दो रिंग्स और साइड में आपको छोटी सी LED फ्लैश है और बीचों बीच पंच होल आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे 14C की रैम और स्टोरेज की बात कर लें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4GB रैम है और 4GB रैम के साथ दो स्टोरेज अलग अलग हैं, एक के 128GB है और दूसरे के 256GB का स्टोरेज है। इस मोबाइल फोन को ब्लैक और ब्लू जैसे दो ऑप्शंस में लॉन्च कर रही है और 14C की आपको अगर बताऊं जो चिपसेट है हीलियो G91 अल्ट्रा चिपसेट देखने को मिल रहा है। फोन के कैमरे को लेंस को लेकर डिटेल नहीं है लेकिन ये लग रहा है कि पहले के मॉडल की तरह ही आपको देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर है, 1.0 OS पर काम कर रहा है। अदर फीचर्स के मामले में डिवाइस में 4G NFC साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और Wi-Fi ब्लूटूथ जैसे कई फीचर्स मौजूद हैं। जहां तक अगर हम बात कर लें जो पहले के मुकाबले में जो लॉन्च किया गया था, हालांकि उसमें हीलियो G85 चिपसेट था लेकिन इसमें आपको हीलियो G91 अल्ट्रा चिपसेट है। तो कहने का तात्पर्य है ये काफी अपग्रेडेड है, काफी अपग्रेड की गई है इसके और एंड्रॉइड 14 स्मार्टफोन के साथ है। बैटरी के मामले में जहां तक देखा जा रहा है 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी है, 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जहां पर 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2 MP के दो अदर लेंस है, ट्रिपल कैमरा है। वहीं सेल्फी वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। कहने का तात्पर्य है कि ये स्मार्टफोन को जल्द से जल्द लॉन्च किया जाएगा ग्लोबल मार्केट में इसी महीने के अंत में। कहने का मतलब ये है बस लॉन्च ही हो गया है और ये ब्रांड ने ऑफिशियल तौर पे को लेकर डिटेल जल्द सामने ला रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि फोन को पहले के मॉडल की तरह ही सेम आपको नजर आ रही है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में तक, वीडियो पसंद है जब लाइक करना शेयर करना। मिलता हूं मैं सिर्फ वरी में, तब तक के लिए टेक केयर।